हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है फॉर ऑल द टेस्ट CUET PG एस्पिरेंट्स, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट की वजह से काफ़ी सारे डाउट्स जो है स्टूडेंट्स के क्लियर अप हो गए हैं। अब इन डिटेल थोड़ा सा हम पेपर कोड को लेकर यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे एंड ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इस पेपर कोड के थ्रू कवर अप हो रहे हैं। मतलब आप इस पर्टिकुलर पेपर कोड के थ्रू जो सिलेबस है, जो है एंट्रेंस का एग्ज़ाम आप देंगे, उसके थ्रू आप TISS में कौन से कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ऑल्सो इन पर्टिकुलर सिलेबस, ऑल्सो कौन से सेक्शंस आपके लिए रहने वाले हैं एंड उसमें जो है कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, इन डिटेल हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो यस, वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं इस चैनल पे, जहाँ पे हम काफ़ी और सारे पेपर कोड्स के सिलेबस भी कवर अप करने वाले हैं। सो यस, चैनल के साथ जुड़े रहना। बट बिफोर वी बिगिन, वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द टेस्ट CUET एंट्रेंस रिलेटेड वीडियोज, बी इट लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स, नोटिफिकेशन, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, विल बी ओनली अवेलेबल ऑन मैन्युअल टेस्ट CUET एंट्रेंस चैनल। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मैन्युअल एजुकेशन पे, सो मैन्युअल टेस्ट CUET एंट्रेंस की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हो। मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल, यहाँ पे भी हम कॉन्स्टेंट गाइडेंस एंड अपडेट पोस्ट करते रहते हैं, सो दैट आप कहीं से भी अपनी अपडेट्स मिस नहीं करते हो। एंड स्टोरीज पे आप हमारे साथ एंगेज कर सकते हो, जहाँ पे हम टेस्ट CUET स्पेसिफिक क्विज क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। सो वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन जो है साइमल्टेनियसली बनी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे आपको स्पेशली GK करंट अफेयर्स रिलेटेड एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू अपने GK की प्रिपरेशन को भी गियर अप कर सकते हो। Apart from this, we have also launched the batches for the TISS CUET entrance preparation. So for live class, you all can call on 8285815455. And for classroom coaching, you all can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri, and our Pune center is also coming soon. So stay tuned for this as well. You also get access to video lectures, mock test, books, mentorship strategy, and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt. Now, let's see दैट इस पर्टिकुलर पेपर कोड के थ्रू आप कौन से प्रोग्राम्स जो है, कौन से कोर्सेज TISS में टारगेट कर सकते हैं। सो ये सारी जो लिस्ट है, ये सारे कोर्सेज है आप टारगेट कर सकते हो। वी हैव MA इन एजुकेशन एलिमेंट्री, डेवलपमेंट स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस, काफ़ी बढ़िया कोर्स है ये। एंड काफ़ी सारे जो प्राइम कोर्सेज है इस पर्टिकुलर पेपर कोड में आते हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को टारगेट करते हैं एंड कॉम्पिटिशन इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहता है। वी हैव मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA, इसके लिए भी काफ़ी ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनका मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, वो इस पर्टिकुलर कोर्स को टारगेट करते हैं। सो यस, आप लोगों को जो है पेपर कोड जो रहने वाला, दैट इज COQP 11। नेक्स्ट इज वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, MPH हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, MPH सोशल एपिडेमोलॉजी, ये सारे जो कोर्सेज है गाइस प्राइम कोर्सेज है TISS के, इसके लिए काफ़ी हाई कॉम्पिटिशन रहता है। सो यस, आपको जो है यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है इन कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट वी हैव MA इन सिटीज एंड गवर्नेंस, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, अगेन ये भी एक बहुत बढ़िया कोर्स है। लास्ट ईयर बिकॉज हमने काफ़ी सारे जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, तो इन पर्टिकुलर कोर्सेज की जो कंपटीशन की स्ट्रेंथ थी, वहाँ से हमें पता चली थी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था और PI के लिए भी लास्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे थे। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सिटीज एंड गवर्नेंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नेचुरल रिसोर्स एंड गवर्नेंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, में सोशल वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, काउंसिलिंग, लाइवलीहुड्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक हेल्थ एंड देयर आर फ्यू मोर कोर्सेज विच इज़ BEd MEd। सो अगर आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हो एंड TISS के थ्रू ये प्रोग्राम कोर्स करना चाहते हो, सो आपको जो है ये पर्टिकुलर पेपर कोड की प्रिपरेशन जो है करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज MA इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, MEd विच इज़ अ 2 ईयर लिटरल एंट्री इन टू BEd MEd प्रोग्राम, MSW चिल्ड्रेन एंड फैमिलीज, MSW कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, MSW दलित एंड ट्राइबल स्टडीज़ एंड एक्शन, डिसेबिलिटी स्टडीज़ एंड एक्शन, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, वुमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस, रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, देन वी हैव सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विच इज़ MLIS प्रोग्राम। सो ये सारे प्रोग्राम्स आप परस्यू कर सकते हो थ्रू
दिस पर्टिकुलर पेपर कोड विच इज़ COQP 11। सो यस, एज अ सेड अर्लियर, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है एंड ये सारे बहुत ही ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्राइम कोर्सेज है TISS के। डेफिनेटली और शुड टारगेट दिस पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप COQP 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है टारगेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है एंड कितने सेक्शन से आप जो प्रिपेयर करने हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंग्लिश सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, DI, GK एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो यस, ओवरऑल यहाँ पे आपको 6 सेक्शंस। तो यस, ओवरऑल यहाँ पे इन सेक्शंस में जो है आपका सिलेबस डिवाइडेड है। इंग्लिश में व्हाट ऑल यू हैव टू स्टडी इज ग्रामर, यूसेज एरर, जंबल पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा भी वाइज और भी सारे जो टॉपिक्स से सिलेबस आपको कवर अप करना है, बिकॉज एंटायर सिलेबस जो है आप आउट नहीं हुआ है वेबसाइट पे, बट थोड़ा बहुत सिलेबस जो है मेंशन किया गया है। बट यस, आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, आपको थोड़ा इससे ज़्यादा पढ़ना है। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग विच इज़ रैंकिंग टेस्ट, अरेंजमेंट, यहाँ पे आ जाता है आपका लीनियर एंड सर्क्यूलर अरेंजमेंट बोथ, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, नॉन वर्बल, लेटर्स एंड नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग विच इज़ योर अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट एंड इन्फरेंस। देन क्वांट में ऑल हैव टू स्टडी परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सर एलिगेशन, एजेस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, LCM, HCF, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सेट एंड सिंप्लीफिकेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट में ऑल इज एवरीथिंग इज अबाउट द चार्ट, सो यस, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ्स, टैबुलर चार्ट, मिक्स्ड ग्राफ, डेटा सफिशेंसी, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स एंड टैबुलेशन। यहाँ पे आप जितना भी सिलेबस अभी अपनी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो, इंटायर सिलेबस कवर्ड अप है गाइड प्रिपरेशन मॉड्यूल में, विच इज़ मेन्यूवर्स प्रिपरेशन प्रोग्राम। यहाँ पे आपका सारा सिलेबस कवर्ड है, इवन बुक्स में यू विल गेट दी एंटायर सिलेबस एंड जितना आपको पढ़ना है, जितना आपको पढ़ने के लिए चाहिए। सो यस, द ऑथेंटिक एंड सफिशेंट कॉन्टेंट इज़ देयर इन योर बुक, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो एंड एंटायर सिलेबस जो है आपका क्लास में भी कवर अप होने वाला है। बैचेस को लेकर अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज। सो यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट था कि GK सेक्शन होने वाला है या नहीं। सो यस, GK सेक्शन यहाँ पे है, इसके अंदर आपको पढ़ना है लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट इश्यूज। सो ये सारी चीज़ें जो आपको GK सेक्शन के लिए प्रिपेयर करनी है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में विल हैव टू प्रिपेयर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिवेशन, शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑफिस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड स्टोरेज डिवाइसेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स एंड कंप्यूटर वायरस। सो ये सारे कुछ टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, आपके एंटायर टॉपिक्स, एंटायर सिलेबस आपके प्रोग्राम्स में कवर्ड अप है। सो यस, अगर आप प्रीवियस ब्रोशर भी चेकआउट करते हो इस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए, सो वहाँ पे एंटायर सिलेबस मेंशन नहीं है, बट कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक्स है जो आपको कवर अप करने हैं, जो कि ये आपके एग्जाम में आ सकती है। एंड प्रिपरेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स चेकआउट कर सकते हो या फिर हमें बैचेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स है। ऑल यू कैन ऑल्सो ऑर्डर द बुक्स, अगर आपको बुक्स ऑर्डर करनी है या सारे सेक्शन से रिलेटेड जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर्ड है, ऑल यू कैन ऑर्डर द बुक्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। क्योंकि CUET की रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग चल रही है, 24 जनवरी लास्ट डेट है, आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है 11th मार्च से लेकर 20th मार्च तक। सो टाइम आपके पास अब काफ़ी कम है, राइट। ओवरऑल आपको अब CUET स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है, ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट होने वाली है। ओवरऑल टाइम जो आपको मिलने वाला, दैट इज़ 105 मिनट्स टू अटेम्प्ट योर पेपर। टाइम मैनेजमेंट पर भी काम करना है कम टाइम में। मॉक टेस्ट भी जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे पोर्टल पे, सो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसका भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यस गाइस, ये था एंटायर सिलेबस फॉर योर COQP 11 एंड ऐसे कौन से कोर्सेज है जो आप COQP 11 के थ्रू टारगेट कर सकते हो, सो वो भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो हम अपकमिंग पेपर कोर्स पे भी इसी तरीके के वीडियोस लाने वाले हैं। सो यस, चैनल के साथ जुड़े रहना ऐसे ही और अपकमिंग वीडियोस के लिए। सो यस गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। सो यस गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।